गाइस, आपको मैंने जैसे बताया था कि मेरे वीडियो के एंड में मैं इसके एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा जिसमें कुछ स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। अब मैंने सोचा कि मैं वो वीडियो की जगह एक अलग ही वीडियो बना देता हूँ स्पेसिफिकली फॉर एंडिंग। आपके जो भी थ्योरीज है आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि मैं भी उसको देख सकूँ, समझ सकूँ। इस वक्त जो मेरा माइंड जो बोल रहा है, वो जो कुछ थ्योरीज मेरे माइंड में आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले असुर एक ऐसी सीरीज है जो एक सीरीज की नहीं हो सकती, मतलब इट इज़ नॉट अ वन सीरीज, इट विल हैव पार्ट और इट माइट हैव पार्ट्स ऑल्सो। ओके, आई डोंट वॉन्ट दिस सीरीज टू गो बियॉन्ड 3 पार्ट्स, क्योंकि देन फिर वो बहुत ही लंबा हो जाता है। जैसे आपने 100 देखी होगी मूवी, अब 100 सीरीज के 7 पार्ट निकाल दिया, तो फर्स्ट 3 पार्ट्स वॉज ओके, आफ्टर दैट इट गॉट वेरी बोर्ड बिकॉज इट वॉज अ सेम कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है कि 3 पार्ट्स की ये सीरीज हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी थ्योरी नंबर वन क्या कहती है। थ्योरी नंबर वन कहती है कि जैसे इस सीरीज को देख के आपको लगता है कि रसूल वही असुर है, मुझे लगता है कि वो असुर नहीं है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जब शुभ जेल में आग लगती है, तो वहाँ से 4 बंदे भाग जाते हैं, 4 कैदी भाग जाते हैं, उनमें से शुभ भी एक होता है। तो 3 तो आपके सामने इस सीरीज में दिख गए, वो एक कौन है? वो एक असुर है। अब वो कौन हो सकता है, दैट्स अ बिग थ्योरी, और वो तो अभी गौरव शुक्ला जी ही जानते हैं। पर आई एम डैम श्योर कि रसूल तो वो नहीं है, हाथों में उसके जलने का साइन तो है, आई एग्री विद दैट। पर उसने एक चीज़ पर, वो चारों के चारों तो जल के ही बाहर आए थे ना, ऑब्वियसली हाँ, तो वो चारों को ही आग का कहीं ना कहीं कोई निशान हो सकता है, राइट? तो मुझे लगता है कि रसूल तो असूल नहीं है। बाकी आप मुझे बताइए, अगर आपको लगता है तो आपकी थ्योरी क्या कहती है। दूसरा थ्योरी, जिस तरीके से अरशद वासी रसूल को देखता है, लास्ट सीन है, आपने देखा उनका आई कांटेक्ट कैसा हुआ, दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? आपको ऐसा नहीं लगा कि अरशद वासी जानते हैं कि रसूल असुर के रिलेटेड कुछ है? तो ऐसा भी हो सकता है कि अरशद वासी भी उसके रिलेटेड कुछ है, हु नोस अबाउट इट। अरशद वासी की वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही थी, ही वॉज साइकोलॉजिकली, वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था उसके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि अरशद वासी हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय शुभ, हु नोस अबाउट इट। शायद उनके भी यहाँ पे मार्क हो, या बॉडी पे कहीं पे इन्फिनिटी का सिंबल हो, हु नोस अबाउट इट। पर वो जो एक दूसरे को उन्हें जिस तरीके से देखा ना, कुछ तो लिंक है। सेकंड सीरीज सॉरी सेकंड पार्ट में ये समझ आएगा, गौरव शुक्ला जी पे डिपेंड है। थ्योरी नंबर 3, या थोड़ा मेरा ब्लड प्रेशर हाई है सीरीज देख के, इसलिए आई रियली अपोलोजाइज। मेरी थर्ड थ्योरी ये कहती है कि जब वो एंजाइटी की मेडिसन्स ले रहा था भारतवाज से, हर्ष से जब वो ले रहा था, तो 2 गोलियां खा के, उन 2 गोलियों खाने के बाद उसने 2 क्लू तो दे दिए थे। वो थर्ड गोली उसने क्यों खाई? उसके बाद तो कोई क्लू आया नहीं। अगर कोई क्लू दिया, शायद मैं से मिस हो गया को, तो आप प्लीज़ मुझे ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पर वो थर्ड गोली का मुझे रीज़न समझ नहीं आया। तो फिर ये वही पॉइंट पे आता है कि अरशद वासी ने वो क्यों खाई? अगर वो उसको हराना चाहता था, तो वो खाने का क्या मतलब है उसका? देयर इज सम लिंक, कुछ तो लिंक है। या तो वो जो 2 हफ्ते का जो गैप हुआ है, 2 हफ्ते का गैप, मतलब जब जब ये क्या बोलते हैं उसको, निखिल नायर की जो बेटी है, जब उसकी डेथ होती है और जब ये केस क्लोज होता है, उसके बाद 2 हफ्ते का जो गैप है, उस गैप में क्या हुआ, हु नोस अबाउट इट। सेकेंड पार्ट में शायद वो गैप के बारे में भी कुछ आए, तो ये भी हो सकता है। तो अरशवासी का लिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। नंबर 4 जो मेरी आखिरी थ्योरी लगती है, अगर असुर इस अर्थ पे है,
तो भगवान भी इस अर्थ पे होंगे। ऐसा हो सकता है कि विष्णु भगवान ने अवतार ले चुके हैं। कौन है वो? क्या जो हमने इतने सारे कैरेक्टर्स देखे उनमें से कोई है ऐसा जो विष्णु भगवान का अवतार या हो सकता है? ये भी एक हो सकता है कंसेप्ट कि वो अवतार हो चुका है। हु नोस अबाउट इट, क्योंकि यहां पे गेम सारी असुर की चल रही है, शुभ की चल रही है। हु नोस कि पैरेलली भगवान की भी कुछ ना कुछ गेम चल रही है। इट्स अ डीप थॉट। बाकी तो अभी ये जब सेकंड पार्ट आएगा, इसका सेकंड सीजन आएगा, तभी समझ आएगा। बट आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर इट। अब ये जो कोरोना वायरस का जो इशू हुआ है, शायद उसकी वजह से डिले हो सकता है, बट मैं एक फैन हूँ इस सीरीज का भी और मैं वेट नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट है मेरी भगवान से कि ये कोरोना वायरस का जो अभी इशू चल रहा है, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए ताकि हम सब अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाए और ऐसी बहुत सारी जो सीरीज़ है या बहुत सारी जो मूवीज़ है जो हमसे अभी होल्ड ऑन है या उसके नेक्स्ट पार्ट नहीं बन रहे हैं, वो सब बने और हम सब जो मूवी के फैंस हैं, जिसके अंदर मूवी का कीड़ा है इतना ज़्यादा, वो ज़्यादा देर वेट ना करें ये सीरीज़ या ऐसी मूवीज़ क्या जो हमें हम इस वक्त मिस कर रहे हैं, या तो जिसकी शूटिंग रुकी हुई है या तो फिलहाल उसकी रिलीज़ होल्ड पे। डू यू एग्री विथ इट? या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा मैंने स्पॉयलर्स यहाँ पे नहीं दिए है, पर जो एंडिंग का जो मेरी थ्योरीज थी वो मैंने आपको बताई है। अगर आपकी भी कुछ थ्योरीज है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन चल रहा है, अपने घर पे रहिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज़ है जिसका मैं रिव्यू ला रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जिसका मैं रिव्यू ला रहा हूँ। यू कैन वॉच दैट, यू कैन एनलाइटन योर लाइफ और आप अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।